बसमिलीम है रिस्मोबी नास आई एम फ्रॉम एमके के और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन ये पेडागोजी का सेकंड टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर में हमने पेडागोजी के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था दैट वॉज टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी तो आज हम डिस्कस करेंगे जी क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन एम के प्रप्रेशन के थ्रू डिफ़रेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है लाइक हेड मास्टर्स एजुकेटर्स लेक्चरार्स एंड एस एस टी एंड स्पेसिफिकली इन सब में जो पैडागोजी का पोर्शन है उसके लिए अलग से प्रप्रेशन करवाई जाती है जिसके कुछ सेशंस कंटिन्यू हैं और कुछ सेशंस जो हैं वो इस एंड के इस मंथ के एंड पे स्टार्ट होंगे तो उन एनरोल करने के लिए आप, आपकी स्क्रीन पर जो कॉन्टेक्ट शो हो रहा है इस पर रबता कर सकते हैं ओके okay जी सो क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है इसमें जितना भी मटेरियल इन स्लाइड्स में कोट किया गया है इट हैज बिन टेकन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स जैसे कि बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन इन सब डिसप्लिन की बुक्स से इसका मटेरियल कलेक्ट किया गया है कंटेंट्स तो आज हम डिस्कस करेंगे इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट डिजाइन और स्टाइल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द रूम कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इन क्लास रूम मैनेजमेंट एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन क्लास रूम मैनेजमेंट डिस्टर्पटिव बिहेवियर एंड एड सोर्सेस एंड एट दी एंड हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे करना है अपनी क्लास में ठीक है एज वेल एज इसमें हम डिसिप्लिन की भी बात करते हैं इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, स्टूडेंट्स uh, को एंगेज करना और डिसिप्लिन को मेनटेन करना इट ऑल स्टार्ट फ्राम द लेसन प्लानिंग कि एक टीचर पहले अपने लेसन को प्लान करता है देन उस लेक्चर को डिलीवर करता है स्टूडेंट्स उसको इंटरेस्ट से सुनते हैं और क्लास में अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं एज वेल एज़ क्लास का जो फिज़िकल इन्वामेंट है यानी जो अरेंजमेंट है फर्नीचर की और डेकोरेशनस हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए ये सब जो है वो स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट करता है तो ओवरऑल जो पर्पस है हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट का इट इज़ टू गेट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स यानी आपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने के साथ साथ उनका बिहेवियर कैसे इम्प्रूव करना है क्लास में उनकी एक्टिविटीज़ को जो अच्छी एक्टिविटीज़ है उनको एनहेंस कैसे करना है और जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उनको आपने कंट्रोल कैसे करना है इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं ओके okay, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्लास मैनेजमेंट इसमें फर्स्ट पॉइंट है जी इसकी कुछ सब हेडिंग्स बनाई गई हैं कंसिस्टेंट रूटीन तो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में से एक कंसिस्टेंट रूटीन है वो इस तरह से है जी कि हम जैसे ही एक टीचर क्लास में एंटर होगा वो अपनी हर क्लास को स्टार्ट करता है बाय राइटिंग द नेम ऑफ द टॉपिक ऑन द बोर्ड डेली ठीक है अब जैसे ही हम क्लासरूम में एंटर होते हैं हमारी फर्स्ट रूटीन ये होती है कि हम टॉपिक का नाम जो है वो बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं देन स्टूडेंट उसको फॉलो करते हुए उस टॉपिक के नेम को नोट करते हैं ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्लास में एंटर होते ही टॉपिक को अनाउंस करना एंड देन उसका नाम जो है वो बोर्ड पे लिखना देन स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं और ये रूटीन जो है वो कंसिस्टेंट बन जाती है यानी डेली बेसिस पे अब जैसे ही क्लासरूम में टीचर uh, एंटर होगा वो अपना जो है वो बोर्ड के ऊपर टॉपिक uh, का नेम लिखना स्टार्ट करेगा विद द अनाउंसमेंट तो अब स्टूडेंट को गाइड नहीं करना पड़ेगा टीचर को कि आप अपने इस टॉपिक को इस टॉपिक के नाम को लिखें या इससे रिलेटेड जो राइटिंग मटेरियल है जो आपकी बुक्स हैं नोट्स हैं उनको आ, अपने बैग से बाहर निकालने और उनको ऑब्जर्व करें बल्कि स्टूडेंट जो है वो खुद ब खुद इन चीजों को अडोप्ट करेगा देन है जी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास अगेन uh, वो चीज आ जाती है कि हम सबसे पहले अपनी एक कंसिस्टेंट रूटीन रखते हैं ठीक है थीके? अब उस कंसिस्टेंट रूटीन में हम क्लासरूम में एंटर होंगे और अटेंडेंस भी मार्क करना एक क्लास की जो है वो नेसेसरी होता है अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नेम अनाउंस करते हैं उतने में स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाता है हम टॉपिक का नेम अनाउंस करते हैं बोर्ड के ऊपर एक टीचर अपने टॉपिक का नाम लिखता है एंड देन ही गोस फॉर मार्किंग द अटेंडेंस यानी वो अटेंडेंस मार्क करने की तरफ चला जाता है अब वो जो टाइम पीरियड है अटेंडेंस मार्क करने का उसमें एक तो स्टूडेंट्स को अपनी अटेंडेंस जो है वो बतानी होती है उसके बारे में प्रेजेंस के बारे में बताना होता है एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली कंसिस्टेंट रूटीन से ये समझ जाते हैं कि ये टाइम जो है वो हमारे पास इनफ टाइम है कि इसमें हम अपने टॉपिक के नेम को भी नोट करें और देन हम उससे रेलिवेंट जो हमारे पास राइटिंग मटीरियल है जो नोट बुक्स हैं जो की बुक्स हैं या जो बुक्स हैं हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं ठीक है उनको निकालें और वहां पर जो टॉपिक मेंशन है उसको हम ऑब्जर्व uh, करें ठीक है तो ये एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में ये चीज आ जाती है कि स्टूडेंट्स जो है वो इसे यूज टू हो जाते हैं एंड देन दे लर्न कि आ, आपने जो पहले टू टू थ्री मिनट्स हैं उनको उन्होंने कैसे कंज्यूम करना है जब तक uh, जो टीचर है वो फर्दर नहीं गाइड करता कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हमने uh, क्या बताना है उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ठीक है दैन पॉजिटिव एटमोसफियर अब पॉजिटिव एटमोसफियर जो है वो एक टीचर पर डिपेंडेंट होता है कि वो कितना लीनियंट है और स्टूडेंट्स के आंस क्वेश्चन जो हैं उनको कितना आंसर करता है ठीक है एक स्टूडेंट को कम्फर्टेबल फील करवाना चाहिए ताकि वो हेजिटेट फील ना करें अपने टीचर से क्वेश्चनिंग करते हुए हाई टेस्ट स्कोर्स ओके जी सो हाई टेस्ट स्कोर्स में ये चीज़ आ जाती है कि जब हम वेरी फर्स्ट डे अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले वेरी फर्स्ट डे क्लासरूम में एंटर होते हैं तो हम अपने पूरे ईयर की जो रूटीन है टीचर्स जो हैं वो, वो स्टूडेंट से शेयर कर रहे होते हैं ठीक है कि हम जो है वो अपना किस तरीके से इसको लेके चलेंगे डेली बेसिस पे आपको टॉपिक का नाम बताया जाएगा देन स्टूडेंट्स उसको नोट करेंगे ठीक है क्वेश्चनिंग करेंगे और फिर टॉपिक को डेली बेसिस पे स्टार्ट करने से पहले

टू टाइप्स की होती है एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल में सिंपली हम ऐसी एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन वो बॉडी में एंटर होगी और वो एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से रिलीज होगी इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो अब लंग्स से आपके सेल्स तक पहुंचाई जाएगी ताकि वो वहां पे यूज हो सके डिफरेंट एक्टिविटीज में और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में सप्लाई की जाएगी ताकि वहां से बॉडी से बाहर रिलीज हो सके तो ये पूरे एक चैप्टर का जो है वो एक समरी है अगर इस तरीके से समरी के बारे में गाइड कर दिया जाए देन स्टूडेंट्स तो है उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि उन्होंने इस चैप्टर में इस टॉपिक में कैसे स्टडी करना है और क्या स्टडी करना है ठीक है और ये बहुत हेल्पफुल होता है फॉर अचीविंग हाई टेस्ट स्कोर्स इससे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी सेल्फ राइटिंग भी करते हैं पेपर्स में ठीक है वो बुक्स की वर्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं रहते और इससे स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता है ठीक है उनके कन्सेप्ट इम्प्रूव होते हैं एंड फिर इससे हम हाई टेस्ट स्कोर्स की तरफ मूव करते हैं जो आप उन्हें प्रैक्टिकली बताएंगे थ्योरेटिकली बताएंगे उसी को ही स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आ, टेस्ट वगैरह के ऊपर इम्प्लाई करेंगे और उससे उनके अच्छे स्कोर्स आएंगे एंगेज स्टूडेंट्स ओके जी अब एक लेक्चर को डिलीवर करने के दौरान या लेक्चर डिलीवर करने के बाद टीचर जो है वो क्लास के राउंड लेता है और राउंड लेने के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं ठीक है वर्बली भी और नॉन वर्बली भी डिफरेंट मेथड से क्वेश्चनिंग होती है और टीचर जो है वो उन क्वेश्चन को आंसर करता है ठीक है तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उस लेक्चर में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एंगेज हो रहे होते हैं नाउ प्रिपरेशन अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर कमिंग इनटू क्लास टीचर को अपना जो लेसन है वो प्लान करना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर एक टीचर विदाउट प्रिपरेशन क्लासरूम में एंटर हो रहा है इसका मतलब ये कि टीचर का मोराल कभी भी डाउन हो सकता है ठीक है उसको नहीं समझ आएगा कि उसने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है एक टॉपिक के बारे में उसने स्टूडेंट्स को कैसे समझाना है उसे ठीक है तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं समटाइम्स वो टीचर्स को क्रिटिसाइज करना भी स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है डिफरेंट तरह की जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करना स्टार्ट हो जाते हैं क्रिटिसाइज करते हैं कि टीचर को खुद अपने टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं है तो uh, हम इससे कैसे सीखेंगे ठीक है तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है क्लासरूम में सो so, नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डिजाइन और स्टाइल्स ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट तो हमारे पास डिजाइंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं यानी हम फिज़िकली किस तरीके से जो हमारे पास स्टूडेंट्स की सिटिंग पोजीशंस होती हैं यानी जो चेयर्स वगैरह हैं उनको हमने किस तरीके से चेयर्स और टेबल्स को किस तरीके से हमने अरेंज करना है रोज में अरेंजमेंट हो सकती है सर्कल में यू स्टाइल में क्लस्टर में पेयर सिटिंग में ठीक है और सेमी सर्कल में द फर्स्ट वन इज रोज तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि हम रोज में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को ठीक है और उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस यानी उसके फायदे ये होते हैं कि इस तरह से हर जो स्टूडेंट है वो इस काबिल होता है कि वो ब्लैक बोर्ड को देख सके ठीक है और जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत आसानी होती है कि वो इन रोज़ में से यानी अगर स्टूडेंट को मूव करना है कहीं भी तो इजीली ये जो स्पेस है रोज़ के दरमियान वहाँ से इजीली मूव कर सकता है एज़ वेल एज टीचर्स भी मूव कर सकते हैं ठीक है एंड देन इससे जो चीटिंग की पॉसिबिलिटी है वो कम से कम होती है डिसडवाटेजेस ये हैं जी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली एक दूसरे को नोट्स पास ऑन कर सकते हैं अगर हमने कोई ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी है स्टूडेंट्स को तो ये उनके लिए मुश्किल होगा कि वो रोज में बैठे हुए अपनी उस ग्रुप एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें देन सर्कल अरेंजमेंट है एज यू कैन सी ही ठीक है तो उसके uh, कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास क्लास में अगर इस तरह से सर्कल अरेंजमेंट है तो हर स्टूडेंट एक दूसरे को फेस कर रहा है यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को नजर आ रहे हैं और वो अगर क्वेश्चन का आंसर करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए आसान होगा ठीक है देन स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ भी ईजिली इंटरफेयर कर सकते हैं और ये जो मेथड है बेसिकली हायर क्लासेस के लिए सूटेबल होता है डिस में क्या है जी कि जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास बोर्ड यहाँ पे लोकेटेड है इन फ्रंट तो ये स्टूडेंट्स जो साइड पे बैठे हुए हैं जो यहाँ पे फ्रंट सीट्स पे बैठे हुए हैं उनके लिए तो बोर्ड को देखना प्रोजेक्टर को देखना बहुत आसान होगा लेकिन जो साइड्स पे बैठे हुए हैं उनके लिए प्रोजेक्टर और बोर्ड को देखना उतना ही मुश्किल होगा ठीक है देन अगर स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन अच्छा है तो माइट पॉसिबल अब वो टीचर के ऊपर कम फोकस करें टीचर क्या बता रहा है उसको कम सुने ठीक है uh, तो उनका आपस में इंटरेक्शन uh, अच्छा होने का मकसद ये है उसका नुकसान ये होता है कि वो फिर लर्निंग uh, के ऊपर जो है वो कम फोकस करते हैं डिसिप्लिन को मेनटेन uh, नहीं कर पा रहे होते क्लासरूम में यू स्टाइल सो यू कैन सी यू स्टाइल अरेंजमेंट जो है ये इस तरह से होती है ठीक है यू स्टाइल अरेंजमेंट जो ग्रुप एक्टिविटीज है उनके लिए तो बहुत ज्यादा सुटेबल है ठीक है और स्टूडेंट्स सारे के सारे स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड को भी इजिली देख सकते हैं ठीक है और देन हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वो स्टूडेंट्स तो एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं अगर उन्हें मूव करना है ठीक है तो उनकी सीट्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं अगर उन्हें मूव करना है तो उनके उन्हें मूव करने में मुश्किल पैदा हो सकती है यानी अगर उन्हें अपनी सीट uh, से जो है वो क्लासरूम से बाहर जाना है या क्लासरूम में टीचर uh, uh, के पास जाना है तो ये जो उनकी मूवमेंट है इसमें रुकावट पैदा हो सकती है ठीक है क्लस्टर्स ओके okay जी तो क्लस्टर्स जो है वो इस तरह से क्लस्टर्स अरेंजमेंट होती है और ये बेसिकली प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स के क्लासरूम्स होते हैं उनके लिए सुटेबल होती है ठीक है और इसमें बहुत आसानी से हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है उसमें थ्री स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पीसफुल uh, हैं लेकिन एक स्टूडेंट नॉटी है तो हम उसको इजीली uh, इस ग्रुप से उठाकर किसी दूसरे ग्रुप में शफल कर सकते हैं ओके okay? इनकी शफलिंग ईजी होती है देन ये ब्लैक बोर्ड को भी इजीली देख सकते हैं लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऐसा बन चुका है जिसमें तीन स्टूडेंट्स जो है वो नोटी हैं ठीक है तो फिर वो फोर्थ वाले को भी अपने साथ उन शरारतों में लगा लेते हैं तो पूरा एक गैंग तैयार हो जाता है आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं क्लासरूम में ठीक है जो क्लासरूम के डिसिप्लिन को खराब करेंगे और अब अगर आप इनको शिफ्ट करने की शफल करने की कोशिश करते हैं तो इससे टीचर्स का टाइम भी वेस्ट होता है अब वो लर्निंग पे कम और डिसिप्लिन को मेंटेन करने पे ज्यादा फोकस करेंगे पेयर सिटिंग तो पेयर सिटिंग जो है वो इस तरह से होती है ठीक है स्टूडेंट्स uh, जो है वो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बैठे होते हैं तो इससे जो चीटिंग के चांसेस हैं वो कम से कम होते हैं ठीक है और स्टूडेंट्स uh, और टीचर्स इजीली क्लासरूम में मूव भी कर सकते हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स कॉर्नर में बैठे हैं वो ब्लैक बोर्ड को जो कि इस लोकेशन पे है उसको इजिली नहीं देख सकते ठीक है देन इसका ये नुकसान भी होता है कि अगर हमने ग्रुप्स यानी टू टू के ग्रुप्स बनाए हैं स्टूडेंट्स के और वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं तो एक के साथ कोई दूसरी कंपनी नहीं है अब हमारे पास जो एक स्टूडेंट है अगर वो एक अपने टॉपिक को लेक्चर को नोट करता है ठीक है उससे कोई वर्ड मिस हो जाता है तो समटाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ बैठे हुए दूसरे स्टूडेंट से उस वर्ड को इस मिसिंग मिसिंग वर्ड को देख लेते हैं ठीक है और उसे नोट डाउन कर लेते हैं लेकिन पेयर सिटिंग अरेंजमेंट में अब उनके लिए ये चीज मुश्किल हो जाए कि वो काम जो है इंडिविजुअली अब नहीं कर सकते अच्छे तरीके से ठीक है तो जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ये फायदेमंद है लेकिन जो डिपेंडेंट हैं बाकियों के ऊपर जो अकेले वर्क नहीं कर सकते ठीक है असाइनमेंट्स को अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते टास्क को अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते उनके लिए पेयर सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो एक डिफिकल्ट चीज है ठीक है ओके जी ना फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द रूम की हम बात करते हैं जिसमें हम जो फर्नीचर है ठीक है इन सब की अरेंजमेंट की को डिस्कस करेंगे सो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द रूम में हमारे पास एक तो है जी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होते हैं जब हम क्लास की फिजिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं एक तो है आई कॉन्टैक्ट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना जरूरी है टीचर और स्टूडेंट का आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट होगा उतना ही टीचर्स और स्टूडेंट की बातों को भी अंडरस्टैंड करेंगे और स्टूडेंट्स भी टीचर के लेक्चर को सुनेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे ठीक है यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बैक टीचर की तरफ नहीं होनी चाहिए द सेकेंड थिंग रूम डिवाइडर्स तो रूम डिवाइडर्स जो है क्लासरूम में एक क्लास रूम में बहुत सी डिफरेंट चीजें होती हैं ठीक है डेस्क है? होते हैं और चेयर होती हैं बुक शेल्फ होती हैं ठीक है हमारे पास डाइस होता है तो इन सबकी जो इन सब का जो साइज है वो इतना शॉर्ट होना चाहिए इनफ कि जो टीचर है वो अपने हर स्टूडेंट को आसानी से देख सके ठीक है और उसकी एक्टिविटीज पे उसके बिहेवियर पे नजर रख सके देन इंस्ट्रक्शनल एड्स इंस्ट्रक्शनल एड्स जो हैं ये वो चीजें होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं लेक्चर को डिलीवर करने में यानी बोर्ड ठीक है और प्रोजेक्टर तो बोर्ड और प्रोजेक्टर जो है ये अवेलेबल होना चाहिए एटलीस्ट इनमें से एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि टीचर इनको यूज करके प्रेजेंटेशन uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन करके अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाएं स्टूडेंट ट्रैफिक क्लासरूम में बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की गैदरिंग ज्यादा होती है यानी टीचर के टेबल के अराउंड ठीक है देन के अराउंड और डोर्स और विंडोज के पास तो ऐसी जो हमारे पास लोकेशंस हैं डोर्स विंडोज टीचर्स का टेबल और फिर डस्टबिन तो ये वाले जो एरियाज हैं ये फ्री होने चाहिए ठीक है यानी चेयर्स बिल्कुल स्टूडेंट की चेयर्स बिल्कुल यहाँ पे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए विस्टर्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्पेस ज्यादा मिल सके अपनी एक्टिविटीज के लिए देन स्टूडेंट स्पेस तो इसमें हमारे पास जो क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल स्पेस भी रिक्वायर्ड है यानी हमारी जो चेयर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए टेबल्स इस तरीके से अरेंज होने चाहिए कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ बैठने में भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो ठीक है वो जो अपना बैग है और जो अपना मटीरियल है अपना स्टफ है उसके साथ ईजिली अपनी सीट पे इन अकम्फर्टेबल वे बैठ सकें और उनको यूज कर सकें ओके जी नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट तो उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास क्लासरूम डिजाइन ठीक है क्लासरूम डिजाइन में अब हम देखते हैं कि हमने टेबल को डेस्क को चेयर को इन सब चीजों को कैसे अरेंज करना है ठीक है तो इन सब की अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए जैसे हम जो स्टूडेंट्स की चेयर्स हैं और जो टीचर का डेस्क और टेबल है इसको अरेंज करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं फेयर सिटिंग अरेंजमेंट है

ग्रुप 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 असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो तो हैं वो असाइन करेंगे ठीक है और उनको यूनिटी के साथ वर्क करने के लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए जब एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है किसी भी स्टूडेंट का ठीक है तो कुछ रूल्स असाइन करवाए जाते हैं उनसे पूरे ईयर के लिए कि उन्होंने अपने क्लासरूम में किस तरीके से बिहेव करना है ठीक है टीचर के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी तो रूल्स जो हैं वो क्लासरूम में पोस्टेड भी होने चाहिए और स्टूडेंट्स से उनके उसके ऊपर साइन भी करवाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अगर उन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो वो उनके कॉन्सिक्वें को बियर करने के लिए रेडी ओके डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन में जो है वो हमारे पास इस तरह से चीजें आ जाती हैं इसमें टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने में ठीक है अब हर स्टूडेंट और टीचर हर स्टूडेंट का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है वी नो दैट कि एक क्लासरूम में बैठे हुए अगर थर्टी स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है जो जिसका कैलिबर है वो डिफरेंट होगा हर स्टूडेंट का बिहेवियर भी डिफरेंट होगा ठीक है और इसी तरीके से जो टीचर्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लासरूम में सिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं तो हर सब्जेक्ट का जो है वो एक स्पेसिफिक टीचर होता है और हर टीचर का अपना एक बिहेवियर होता है अपना एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं ठीक है Uh, कुछ टीचर्स लीनियंट होते हैं वो फ्री uh, हैंड देते हैं स्टूडेंट्स को कुछ एवरेज होते हैं कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ठीक है तो हर एक टीचर uh, को जो है वो स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही जज करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और देन वो उन उसके अकॉर्डिंगली अपना एक जो डिस्टेंस है वो टीचर से मेनटेन करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो ना तो फिजिकली अब्यूज करें ठीक है ना ही उनको वर्बली अब्यूज करें स्टूडेंट्स को ठीक है क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट्स एम्बेस्ट फील करते हैं और ये एक स्टूडेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है और टीचर का एक बहुत ही अनप्रोफेशनल और बिहेवियर होता है उसके लिए लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है ओके शेड्यूलिंग स्केड्यूलिंग ऑफ द क्लासरूम तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने यानी टीचर्स ने जो है वो किस तरीके से अपने क्लासरूम को शेड्यूल करना है ठीक है इसमें हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है यानी एक तो हमारे पास होता है लेक्चर डिलीवर करने का टाइम यानी एक टीचर के पास एक टाइम होता है लेक्चर को डिलीवर करने का ठीक है तो अपना आ, उस लेक्चर को डिलीवर करने के बाद फॉर एग्जाम्पल थर्टी मिनट्स है ठीक है फर्स्ट फाइव मिनट्स जो है वो अटेंडेंस और जो है वो वेलकम में इन्वॉल्व हो जाते हैं यूटिलाइज हो जाते हैं देन जो रिमेनिंग आपके पास ट्वेंटी फाइव मिनट्स है उसमें से एटलीस्ट ट्वेंटी मिनट्स जो है वो लेक्चर डिलीवर करने के लिए होने चाहिए ठीक है और लास्ट जो फाइव मिनट्स हैं वो फाइव मिनट्स स्टूडेंट्स को फ्री देने चाहिए ताकि उसमें वो अपने नोट्स को और अपनी असाइनमेंट्स को कम्प्लीट कर सकें ठीक है तो इतनी इतना सा टाइम जो गैप है वो होना चाहिए ये तो हो गई लेक्चर की डिमांड अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स एक इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं ठीक है पूरा दिन वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अटेंड करते हैं टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ठीक है थीके? तो उन्हें हमें कुछ स्पेस देनी चाहिए उनके खाने के लिए तो वो रिसेस की फॉर्म में हो सकती है ब्रेक की फॉर्म में हो सकती है ठीक है इस तरीके से शेड्यूलिंग होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट नाउ कम्युनिकेशन ऑफ द टीचर तो टीचर का जो है वो कम्युनिकेशन अपने स्टूडेंट से भी अच्छा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स इजिली क्वेश्चनिंग कर सके उन्हें उनके क्वेश्चंस का आंसर भी मिले ठीक है देन एडमिनिस्ट्रेटिव uh, जो स्टाफ होता है और जो कोलिग्स हैं यानी बाकी जो टीचर्स हैं उनके साथ भी एक टीचर का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनके साथ पीटीएम में यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में अच्छी कम्युनिकेशन उनके साथ डेवलप करनी चाहिए ये सब जो है वो हेल्पफुल होगा एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल बनने के लिए नाउ रूटीन्स ऑफ द क्लासरूम तो ये जो छोटी छोटी रूटीन्स हैं क्लासरूम की ये बेसिकली प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो जाती हैं एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट हो जाती हैं ठीक है इसमें अब जो टीचर्स ऐसे बच्चों को यानी छोटे लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं जिनका जिनके ग्रेड्स यानी क्लासेस छोटी हैं ठीक है, है? एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल है तो उसके लिए अब टीचर्स की रूटीन ये होती है कि स्टूडेंट्स को वार्मली वेलकम करना मॉर्निंग में ठीक है देन उन्हें कुछ टाइम स्टडी के लिए देना और उसके बाद उन्हें कुछ टाइम जो है वो खेलने के लिए देना एट एंड लेसन को समराइज भी करना ठीक है तो ये चीजें ये ऑफ द क्लासरूम इन्वॉल्व होती हैं देन एंड तो और प्रेस में हमारे पास स्टूडेंट्स का बिहेवियर आ जाता है स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है तो हमारे पास दो तो तरह के स्टूडेंट्स हैं एक वो जो स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर्स को चाहिए कि मंथली रिपोर्ट की बेस पे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स दें कैंडीज की फॉर्म में या फिर पेन की फॉर्म में या नोटबुक्स की फॉर्म में ठीक है इस तरह से रिवॉर्ड दें उन्हें और जो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें एनकवरेज करें ठीक है आ, उन्हें जो है वो एनकवेज करें कि वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करें एंड देन जो डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स अच्छे हैं बहुत ज्यादा क्लासरूम में उन्हें भी इनकवरेज करना चाहिए

तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है जी क्लासरूम मैनेजमेंट में और डिसिप्लिन में अंडरमाइनिंग द टीचर्स अथॉरिटी ओके जी अब हमारे पास जो टीचर्स हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लासरूम uh, में जो स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टीचर्स जो है वो पूरी क्लास के सामने स्टूडेंट्स को डांटना शुरू कर देते हैं ठीक है ये एक अच्छा इम्पेक्ट नहीं होता इससे स्टूडेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट आता है और टीचर उसका रोल मॉडल भी नहीं रहता बेहतर जो तरीका है वो ये होता है कि एक टीचर उस स्टूडेंट को आ, सेपरेट लेके जाए ठीक है और देन उसकी काउंसलिंग करे उसे समझाए ठीक है उसके साथ म्यूचुअल डिस्कशन करे और अकेले में उसे बताए कि डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या वीकनेस है और स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या वीकनेस है ठीक है एंड देन टीचर की के पास अथॉरिटी होती है एक टीचर जो है वो क्लास का बादशाह होता है लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो बादशाह है और वो किसी की नहीं सुने एक टीचर जो है उसे अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को सुनना भी चाहिए और उन्हें आंसर भी करना चाहिए ठीक है उन्हें जो है वो दबा के नहीं रखना चाहिए एक स्टूडेंट को टीचर यानी स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपने टीचर से कुछ भी पूछते हुए ना हेजिटेटेड फील ना करें ठीक है टीचर से डरे नहीं ओके okay, जी लीविंग क्लास टू फ्रिक्वेंटली तो इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट uh, बात ये होती है कि समटाइम्स uh, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं कि वो रेंडमली क्लासरूम में से उठ के बाहर चले जाते हैं ठीक है क्लास लीव कर देते हैं बंक करते हैं क्लास को और कुछ टीचर्स भी अपने पर्सनल इश्यूज और पर्सनल काम की वजह से क्लासरूम को फ्रिक्वेंटली यानी क्लासरूम से फौरन बाहर चले जाते हैं ठीक है अपनी पर्सनल एक्टिविटीज की वजह से और इसमें दूसरा पॉइंट ये आ जाता है लीवस ठीक है तो के टीचर भी कंटिन्यूसली यानी काफ़ी काफ़ी दिनों तक एबसेंट रहते हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी काफ़ी दिनों तक एबसेंट रहते हैं ठीक है विदाउट एनी जनवन रीजन तो उससे जो है वो पंक्चुअलिटी और इससे जो क्लासरूम का डिसिप्लिन है वो भी खराब होता है रूटीन ख़राब होती हैं और ओवरऑल इसका इफेक्ट आपकी स्टडीज और टीचर्स और स्टूडेंट्स के आउटकम्स के ऊपर होता है ठीक है पोअर हाइजीन तो पोअर हाइजीन भी जो है प्रॉब्लमेटिक है हमारे पास इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज करते हैं सिगरेट पीने के आदि होते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स के लिए क्लीन वाटर अवेलेबल होना चाहिए ठीक है तो ये सब चीजें एक इंस्टीट्यूट के अंडर आती हैं कि उन्हें इनको कैसे मैनेज करना है ठीक है ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं सिगरेट का यूज़ होना परफ्यूम का बहुत ज़्यादा यूज़ होना या क्लियर वाटर नीट एंड क्लीन वाटर का अवेलेबल ना होना ठीक है फिर प्लस जो स्टूडेंट्स की सिटिंग वाली uh, जो चीजें होती हैं उनके टेबल्स uh, हैं उनकी चेयर्स हैं ठीक है उनका साफ ना होना या फिर टीचर के डाइस और बोर्ड साफ ना होना ये सब चीज़ें पोर हाजी जीन, कंडीशन में आ जाती हैं और ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वर्बल और फिजिकल थ्रेट्स तो उसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए जो है वो प्रॉब्लमैटिक uh, बात होती है अगर टीचर भी स्टूडेंट्स के साथ वर्बली और फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है उन्हें ठीक है और स्टूडेंट्स भी आपस में एक दूसरे को वर्बली और फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती हैं क्लास के uh, जो उसका उसकी जो मैनेजमेंट है डिसप्लिन है उसको खराब करती हैं ओके जी सेल्फोन एंड फूड डिस्ट्रप्शन तो इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि एक जो हाई लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज uh, में स्टूडेंट्स को भी फ़ोन अलाउ होता है ठीक है तो उस टाइम पे अगर स्टूडेंट्स अपना फ़ोन अपना मोबाइल टर्न ऑफ करके नहीं बैठेंगे तो उनकी जो रिंग टोन्स हैं वो बार बार ड्यूरिंग लेक्चर सुनाई देंगी और उससे क्लासरूम का डिसिप्लिन ख़राब होता है ठीक है एज़ वेल एज हम बात करें टीचर्स की तो टीचर्स के भी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो साइलेंट मोड पे होने चाहिए ठीक है या टर्न ऑफ़ होने चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर ताकि आ, उनकी रिंग से और उनकी अपनी एक्टिविटीज़ से क्लास का डिसिप्लिन खराब ना हो और वो अपने लेक्चर डिलीवर करने पे फोकस करें ठीक है देन हमारे पास क्लासरूम में टीचर्स का और स्टूडेंट्स का दोनों का जो कुछ खाना पीना है वो अलाउ नहीं है हम अक्सर ये ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स के स्टूडेंट्स जो तो हैं उन्होंने अपने माउथ में बबल गम डाली होती है और वो पूरा जो लेक्चर है उसको यूज करते रहते हैं ठीक है तो इस चीज को भी मना करना चाहिए ये रूल्स और तो डिसिप्लिन के अंदर पॉइंट्स एडअप होने चाहिए ओके जी स्लीपिंग इन द क्लास तो इस एटीट्यूड को एक रूड एटीट्यूड जो है वो आ, कहा जाता है ठीक है कि स्टूडेंट्स लेक्चर सुनने के दौरान सो जाते हैं क्लासरूम में ठीक है अब इसमें इस इस चीज को रोकना भी चाहिए इसको मना भी करना चाहिए और स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए ठीक है टीचर को बार बार ड्यूरिंग लेक्चर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए ताकि वो एक्टिव रहे और सोने की तरफ जो है वो ना आए ठीक है अब दूसरी चीज ये होती है कि इनका सोना जो है स्टूडेंट्स का सोना उसमें इनकी इनकी जो स्लीपिंग है उसमें आ, कुछ ये भी आ जाते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होमवर्क असाइन करते हैं और वो घर में जाके अपने होमवर्क में बिजी रहते हैं उन्हें रात को सोने का भी टाइम नहीं मिलता और आ, इस तरह से वो फिर घर में तो होमवर्क करते हैं और क्लासरूम में क्लासरूम नहीं कर क्लासवर्क जो होता है वो नहीं कर पाते ठीक है देन इसका थर्ड फैक्टर ये आ जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज में पूरी पूरी रात जागते रहे हैं मोबाइल फोन पे गेम्स देखना एंड ऑल दैट तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो फिर उनकी रूटीन इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है वो क्लासरूम में सोने पे फोकस कर रहे होते हैं न रिफ्यूजल टू स्पीक और पार्टिसिपेट अब इसमें हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स ठीक है एक क्लासरूम में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते ठीक है वो अगर एक टीचर क्वेश्चन भी करता है तो उसको आंसर नहीं कर पा रहे होते या तो उन्हें टीचर के बिहेवियर से डर लगता है कि टीचर इतना स्ट्रिक्ट है वो आंसर नहीं कर पा रहे या उनके साथ कोई हेल्थ इश्यू होता है ठीक है या फिर वो इतने जो है वो पुरजोश नहीं होते एंड कवरेज नहीं होते सो तो, ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो ये भी फिर हमारे पास प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए नाउ शेयरिंग और कॉपिंग वर्क तो इसमें हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपना काम नहीं करते ठीक है वो किसी दूसरे के काम को कॉपी कर रहे होते हैं या अपने साथ बैठे हुए किसी दूसरे स्टूडेंट के काम को कॉपी करेंगे असाइनमेंट्स को कॉपी करेंगे प्रोजेक्ट्स को कॉपी करेंगे या फिर जो है वो इंटरनेट से मटेरियल्स को कॉपी करेंगे ठीक है तो इस बारे में एक टीचर को स्टूडेंट के पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए मीटिंग्स कंडक्ट कर करवानी चाहिए और प्लेजरिज्म को दिखाना चाहिए ठीक है और यानी जो स्टूडेंट ने कॉपी किया है कोई भी मटीरियल किसी दूसरे स्टूडेंट से चीटिंग की है तो ये सब चीज़ें उन्हें गाइड करनी चाहिए ठीक है और स्टूडेंट्स को वॉर्न करना चाहिए नाउ लैक और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर एक इंस्टीट्यूट की तरफ से आ एक टीचर को और एक स्टूडेंट को रिसोर्सिस कम्पलीटली अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट के रिसोर्सेज किस फॉर्म में उसके टेबल उसका जो चेयर्स हैं ठीक है इन सब को लेकर और फिर जो टीचर है उसके लिए रिसोर्स किस तरीके से उसका डाइस है देन बोर्ड है मल्टाई मीडिया प्रोजेक्टर है तो ये सब चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट में आती हैं और अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज होती है नाउ एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम मैनेजमेंट कि हम क्लासरूम मैनेजमेंट में जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं उनको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं तो ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं दैट शुड बी फॉलोड और ऑब्जर्व फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इसमें हमारे पास ओवरऑल सब कुछ आ जाता है कि क्लासरूम का फिजिकल इन्वायरमेंट यानी फिजिकल अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए ठीक है और अगर हमारे पास एक इंस्टीट्यूट की तरफ से फिजिकल अरेंजमेंट यानी टीचर का डेस्क उसका टेबल ठीक है टाइल्स बोर्ड मल्टाई सब कुछ अवेलेबल है और टीचर के लिए जो स्टूडेंट हैं उसके लिए भी उसकी जो चेयर्स हैं और जो उसके लिए सिटिंग उसकी अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट होता है ठीक है ऐसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं देन एक टीचर को स्टूडेंट यानी उसके जो पीपल हैं उनके अराइवल और उनके डिपार्चर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए ठीक है देन जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स का उसके बारे में भी टीचर को आइडिया होना चाहिए हर स्टूडेंट के बिहेवियर को के बारे में टीचर को अंदाजा होना चाहिए ताकि वो नेगेटिव बिहेवियर को भी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करवा सके ठीक है देन स्टूडेंट से टाइमली फीडबैक लेते रहना चाहिए ओके और जो इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है जो नेगेटिव बिहेवियर है स्टूडेंट्स का उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए जितने भी रिसोर्सेज हैं फॉर द टीचर्स और स्टूडेंट्स वो अवेलेबल होने चाहिए एक क्लासरूम में ओके नाउ टू मैनेज गुड रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी ऑब्जर्व बाय द टीचर ठीक है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ये जो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैं इनको माइंड में रखना चाहिए कि उससे जितनी हो सकती है स्टूडेंट्स की इज्जत करनी चाहिए ठीक है क्योंकि अगर एक टीचर ही स्टूडेंट्स को डिग्रेड करेगा उन्हें क्रिटिसाइज करेगा तो फिर वो टीचर स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल नहीं होगा ठीक है टीचर्स को सिविलाइज्ड वे में यानी महजब तरीके से बात करनी चाहिए ठीक है बदतमीजी से उन्हें करके, उन्हें क्रिटिसाइज करके डांट टपट करके बात नहीं करनी चाहिए ठीक है ना ही किसी स्टूडेंट को यह कह कहकरवरेज करना चाहिए कि भाई आप तो नलायक हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो नलायक नहीं होता टीचर्स ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं सिर्फ डिफ्रेंस इस बात का होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने माइंड को यूज नहीं करते ठीक है तो हमें स्टूडेंट्स को ये कह के डिसकवरेज नहीं करना चाहिए कि आप न लाइक हैं ठीक है भले बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए कि हर जो स्टूडेंट है वो लाइक होता है आपको अपने माइंड को यूज करना है ठीक है और चीज़ों को समझना है और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए एंड देन अननेसेसरी जो क्रिटिसिज्म है जो स्टूडेंट्स पे तनकीद है वो नहीं करनी चाहिए टीचर्स को हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो क्लासरूम में क्वेश्चनिंग भी करे और डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करे और हर वक्त जो है वो अपनी अथॉरिटी को यूज करने का राइट right टीचर के पास नहीं होना चाहिए यानी अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो क्लासरूम में सिर्फ अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए कि मैं एक टीचर हूँ तो इस तरीके से बिहेव करे वो एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए टीचर को थोड़ा सा लीनियट होना पड़ता है ताकि स्टूडेंट्स की जो हेजिटेशन है वो कम से कम हो ओके नाउ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एंड इट्स तो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर जो होता है क्लासरूम में वो तो क्या हो सकता है और कब इस्टैब्लिश होगा कॉल आउट फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर ने बुलाया है किसी स्टूडेंट को ठीक है तो बजाय इसके कि वो स्टूडेंट आंसर करे वो स्टूडेंट जो है वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए ठीक है बातों में इन्वॉल्व हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने इर्द-गिर्द के तीन चार लोगों को बातों में लगा ले ठीक है ये चीज हो सकती है एंड देन अगर एक स्टूडेंट को बुलाया है टीचर ने तो उसकी जगह एक दूसरा स्टूडेंट जो है वो हैंड रेस करे और टीचर को रिस्पॉन्स करे इससे भी डिस्टर्बेंस होती है ठीक है या फिर क्लासरूम में बैठे हुए टीचर्स पे या फिर स्टूडेंट्स के आपस में एक दूसरे को कमेंट्स पास करना जो कि नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं ठीक है या वो लैंग्वेज यूज करना ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर का कॉल आउट नाउ फाइटिंग अब फाइटिंग में लड़ाई झगड़ा आ जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी टॉपिक की बेस पे एक दूसरे से वर्बली एक दूसरे को अब्यूज करना स्टार्ट करते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता वो फिजिकली एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं इसमें वो एक जो टीचर है उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे इंस्ट्रक्टर को इन्वॉल्व कर लेंगे ठीक है तो ये चीज भी प्रॉब्लमेटिक होती है देन चीटिंग चीटिंग के लिए जो है वो सेल uh, फोन और टेक्स्ट मैसेजेस का आजकल यूज हो रहा है ठीक है टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया है चीटिंग को एनहेंस करने में ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए कॉपी पेस्ट के के करने के लिए ऑनलाइन है, है? तो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं सेल फोन और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए एक दूसरे को कॉपी और चीटिंग करवा सकते हैं तो ऐसा जो एक लर्निंग एनवायरमेंट होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता इसको कम करने के लिए हमें कुछ ऐसे uh, uh, मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिससे ऑनलाइन टेस्टिंग में भी इनके जो चीटिंग के चांसेस हैं वो कम से कम हो कम इन लेट अब अगर स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जी एट थर्टी पे और स्टूडेंट्स एट फोर्टी पे या एट थर्टी फाइव पे या एट फोर्टी फाइव पे अब कंटिन्यूसली पहले एक स्टूडेंट आता है देन दूसरा आता है ठीक है लेट आते हैं क्लासरूम में अगर स्टूडेंट्स तो टीचर अपना लेक्चर स्टार्ट कर चुका होता है ठीक है आप दो से तीन स्टूडेंट्स जब वन बाय वन करके लेट आएंगे क्लासरूम में और क्लासरूम में एंटर होने से पहले परमिशन लेंगे तो टीचर का जो फ्लो है लेक्चर का फ्लो वो डिस्टर्ब होता है ठीक है और इस तरह से टीचर का मोरल भी डाउन हो सकता है एक टीचर जो है वो फिर हार्श भी हो सकता है उसको गुस्सा भी आ सकता है तो ये चीज़ें जो है वो एक डिस्ट्रैक्ट करती हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी होमवर्क अब होमवर्क जो है हमारे पास ये होमवर्क एक ऐसी चीज होती है जो कि असाइन की जाती है घर से करने के लिए ठीक है होमवर्क का मतलब कास्ट वर्क नहीं होता अब अगर हम एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स को असाइन करते हैं कोई काम कि वो घर से इसको करके लाए और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको घर से करने की बजाय क्लासरूम में आके कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है, है? तो इस तरह से क्लासरूम का जो वर्क होता है वो कंप्लीट नहीं होता ठीक है होमवर्क का क्लास वर्क के ऊपर भी इफेक्ट होता है होमवर्क का मतलब है कि उसको घर से करके लाना है इट्स नॉट बीन डन इन द्लास रूम तो इस तरह की जो चीजें हैं ये भी अवॉइड करनी चाहिए ड्रग्स एडिक्शन हायर लेवल पे चीजें होती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग uh, होते हैं ड्रग्स को यूज करते हैं ड्रग एडिक्टेड होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इनका जो बिहेवियर है और फिजिकली भी अब्यूज करते हैं ठीक है देन क्लासरूम में वो यानी डिफरेंट किसी की बुक चुरा लेना है, किसी का पेन चुरा लेना इस तरह की हरकतें भी करते हैं ठीक है एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी करते हैं सबियर किस्म की तो ये ड्रग एडिक्शन के सारे नुकसान हैं ओके okay जी अब हम एट दी एंड करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके पास गए हैं द फर्स्ट वन इज क्लासरूम लीडरशिप इज आल्सो कॉल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट तो क्लासरूम लीडरशिप को हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं ठीक है नंबर टू द प्राइमरी एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू गेन एंड द स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग यानी क्लासरूम मैनेजमेंट का जो प्राइमरी मकसद है वो ये है कि हम स्टूडेंट की जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करें उनकी लर्निंग को प्रमोट करें ठीक है नंबर थ्री क्लासरूम मैनेजमेंट इज मल्टीड एक्टिविटी यानी क्लासरूम मैनेजमेंट कोई एक टॉपिक नहीं है इसके अंदर हमें डिसिप्लिन को देखना होता है ठीक है इसके अंदर हमें जो है वो अरेंजमेंट्स को फिजिकल अरेंजमेंट्स को देखना होता है रूटीन्स होती हैं क्लासरूम की जो स्टूडेंट और टीचर को सेट करनी होती हैं फॉर द लेक्चर तो ये सभी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं नंबर फोर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद फीजिबल प्लान यानी क्लासरूम मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए लेसन को प्लान करना पड़ता है ठीक है वायबल टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी बोर्ड पे लिखना और प्रोजेक्टर्स को यूज करना एडिक्वेट एडिकुएट इफ बोर्ड और प्रोजेक्टर का अवेलेबल होना ठीक है टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजेरियल स्किल्स यानी टीचर का जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इम्प्रूव होना ठीक है ये सभी चीजें क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जरूरी हैं नंबर फाइव क्लासरूम मैनेजमेंट एंगेज स्टूडेंट्स इज लर्निंग एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स यानी क्लासरूम मैनेजमेंट में हमारा मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लर्निंग में एंगेज करें उनमें कम्युनिटी म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएं ठीक है तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स के लिए हैं क्लासरूम मैनेजमेंट नंबर सिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूज कैरीड आउट बाय द प्रिंसिपल यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब बात आती है टीचर ने क्या लर्न करना है और टीचर को कैसे गाइड करना है तो उसमें जो एक इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है नंबर सेवन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसको हम कहते हैं इसको असेस करना इसको जज करना कहलाता है इंस्पेक्शन नंबर एट अथॉरिटेरियन मोड इज मोर सुटेबल फॉर डिसिप्लिन यानी अगर एक टीचर अगर क्लास की अथॉरिटी ले रहा है ठीक है एक टीचर क्लास का बादशाह है और अगर वो क्लास की अथॉरिटी ले रहा है और उसमें अपनी अथॉरिटी को शो भी कर रहा है तो जस्ट बिकॉज के वो क्लासरूम का डिसिप्लिन उसको मेंटेन कर सके नंबर रूम द इंडिविजुअल इन द द ग्रुप गिवन टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज सुपरवाइजर यानी एक ग्रुप को बनाना उनके कोई टास्क और कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट उन्हें असाइन करना ये सब एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर टेन एंड डी रूल मींस तो इसका मतलब होता है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स नंबर 11, द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज हेनरी फेल नंबर 12, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट मैक पुट्स एम्फोसिस ऑन क्लासरूम रिलेशनशिप्स ठीक है यानी जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्लासरूम रिलेशनशिप ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट ये सब भी डिस्कस होता है नंबर थर्टीन एस एन ई इज एन एब्रेविएशन ऑफ शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री नंबर द एक्टिविटीज एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाते हैं ताकि हमें जो स्टूडेंट का आउटकम है वो अच्छा मिल सके दैट इज नोन एज मैनेजमेंट नंबर फोर्टीन फिफ्टीन लिसन एंड फॉलो द डायरेक्शन इज अ प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक है यानी सुनना और देन एक, एक टीचर की बात को सुनना उसके लेक्चर को सुनना और उसकी डायरेक्शन को जो है वो अप्रोच करना ठीक है कि टीचर आपको क्या समझाना चाह रहा है इसे हम कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट नंबर द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज इंस्ट्रक्शनल टास्क एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क ठीक है तो ये दोनों चीजें जो है ये एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम होता है नंबर द यूज ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज स्पेंट ऑन स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन जो फंड uh, तरीकों से स्टूडेंट से रिसीव करते हैं वो स्टूडेंट्स पे और उस इंस्टीट्यूट यानी उस इदारे पे ही खर्च होने चाहिए नंबर एटीन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे इस फाइव इयर्स ये टीचर्स के लिए है एक अगर इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं तो विदाउट पे उन्हें जो लीव अलॉट की जा सकती है वो फाइव इयर्स की हो सकती है उसमें टीचर्स अगर हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना चाहते हैं कंप्लीट uh, करना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज को तो वो कर सकते हैं नंबर नाइनटीन द प्रोसेस अंडर टू कोर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ दू अचीव द रिजल्ट एज मैनेजमेंट नंबर ट्वेंटी

तो ही uh, अच्छे तरीके से लेक्चर्स भी डिलीवर हो सकते हैं टाइम पे और आपको आउटपुट और आउटकम भी जो है वो इजीली मिल सकती है नंबर ट्वेंटी टू अंडर द्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्कूल वाइड स्ट्रक्चर रेफर टू द पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट नंबर ट्वेंटी थ्री इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मस्ट बी अलाइंस विद द इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड एक्टिविटीज यानी इसमें हमें uh, एक टीचर को स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी देनी चाहिए लेक्चर भी डिलीवर करना चाहिए और एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी करवानी चाहिए नंबर द द की प्रॉब्लम और इशू ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टीचर्स परसपेक्टिव में भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज यानी अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उसमें से एक ये भी हो सकता है कि टीचर का फोकस सारा का सारा सिर्फ अपने रिसोर्सेज को यूज करने में है ठीक है

Number 27, classroom management engages students in learning and fosters a sense of community and mutual respect among students. Number 28, differentiating instructions is a part of the classroom management. Number 29, the main purpose of the supervision of the teaching should be the advancement of pupil welfare. Number 30, what is the main objective of the school discipline? स्कूल डिसिप्लिन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि एक कंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स एक इंस्टीट्यूट में आए और वहां से कुछ लर्न करके कुछ सीख के जाए अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी ठीक है और एम के प्रेपरेशन के थ्रू जो है वो हेड मास्टर्स एजुकेटर्स एस एस टी और लेक्चरार्स की प्रिपरेशन हो रही है इन सब में जो पैडोगोजी का पोर्शन है स्पेसिफिकली उसके अलग से एंड ऑफ दिस मंथ आप उन सब में सकते हैं ठीक है और उन सब एनरोल होने के लिए उन नंबर ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड ओके जी इनशाला हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज